अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ड्रिल इस वीडियो में क्या मैं सिखाने लगा हूँ कि जिनका हेड फॉल करता है, आगे फॉल कर रहा है, ठीक है, अक्सर होती है ना बॉडी आपकी इधर फॉल करती है। पहली रीज़न ये है, फॉल करने की वजह ये होती है कि आपका हेड और शोल्डर इसके दरमियान गैप बहुत होता है। आप ये खड़े हुए हैं, अब आप वीडियो से देखेंगे तो मेरे ये इस पाँव से बहुत आगे होगा, ये हेड ये फॉल करता है। इसमें क्या होता है, आपको जो अंदर वाला बॉल जो है ना वो मिस होता है और आपकी आइज़ की जो लेवल है ना वो आपका इस तरह होता है, जिसकी वजह से आपके बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपको पहले तो ये कि आप इस तरह देख नहीं सकते, अगर देखेंगे तो आपको सही बॉल नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपकी आइज़ के एंगल इस तरह ये है, आइज़ के एंगल। तो आइज़ के एंगल आपने पहले हेड को ये सामने रखना, ये हेड को सामने, ठीक है। बेशक आप फॉल भी कर रहे हैं, जो फॉल कर रहे हैं ना एकदम, तो वो हेड की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते। तो उन जिन लोगों का हेड फॉल करते हैं ना उनको कि भाई आप जो इतना देख रहे हैं ना उसको थोड़ा सा ये सामने कर लें, ये हेड की पोजीशन चेक कर लें ये, ठीक है। उसको आप कहेंगे हेड की पोजीशन ये सामने रख ले, अगर वो फॉल भी करता है झुक कर खेलता है लेकिन उसे कहेंगे यार हेड की पोजीशन अपनी अंदर रख ले। इससे ये होगा कि एटलीस्ट आपकी जो है ना जो आइज़ है वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी और आप बॉल को इजीली साइड कर सकेंगे बजाय इसके इस तरह के, ठीक है। पहली ड्रिल ये है कि उसको कहें कि हेड सामने रखे, ठीक है। सेकंड ड्रिल अगेन उसी से कनेक्टेड है कि शोल्डर के पास ही, शोल्डर है ना आपका इसके साथ तकरीबन, बिल्कुल नहीं जोड़ लेना आपने, बिल्कुल बाहर भी नहीं रखना, थोड़ा सा सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो आपका हेड ये होना चाहिए, पहली चीज़ जो बाहर थे उसको कहो कि थोड़ा सीधा करें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि थोड़ा सा बॉडी, अब ये शोल्डर ये बेसिक है, वेरी वेरी बेसिक जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों के लिए ड्रिल ये है कि आप उनको कई तरह की ड्रिल करा सकते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ आप उसके सामने एक विकेट रख लें, उधर एक बॉल रख लें और उसे कह के जाके एल्बो टच करिए। अब एल्बो टच कैसे होगी, जब आप हेड एंड शोल्डर साथ लेकर आएंगे, हेड एंड शोल्डर साथ लेकर आएंगे, हेड एंड शोल्डर साथ लेकर आएंगे। अब कभी भी वो इसको, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़ी सी दूर रखी है, अब ऐसे वो कभी भी ये पार्ट टच नहीं कर सकता, उसको कहेंगे ये अपनी एल्बो टच करें। वो कैसे टच करेगा, जब उसका हेड और शोल्डर ये एक तरह बिहेव करेंगे ये, ठीक है, एक तरह बिहेव करेंगे। अभी मैं ये पुश की बात नहीं कर रहा, मैं पुश की बात अगेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हेड पोजीशन सीधी कराने की बात कर रहा हूँ कि जिसकी पोजीशन फॉल कर रही है ना उसको सीधा कैसे रखना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, कि ड्राइव कैसे करना है, वो जस्ट हेड पोजीशन सीधी करने के लिए। इससे ड्रिल्स होती हैं, मसल मेमोरी बनानी होती है। तो आप उसको कहो कि जाके एल्बो टच करें, इससे ये होगा उसकी हेड, ये हेड चिन जो है और ये शोल्डर साथ रहेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रखा हुआ है ना, उसे कहो कि ये लाके टच करे, ऐसे पीछे आए, बैट रखा हुआ है कोई विकेट रखी हुई है जाके टच करे वापस आए। अब दूर से आप किस तरह टच कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक बड़ी हुई है, अब मैं ये पार्ट कैसे टच कर सकता हूँ, जब तक मेरी बॉडी, जब तक मेरा हेड ऊपर नहीं आएगा, हेड ऊपर नहीं आएगा, फ्रंट नहीं आएगा तब तक। इससे एल्बो भी सीधी होगी, आपकी हेड भी सीधी होगी। और ये बेसिक, अगेन बात कर रहा हूँ बेसिक्स, एडवांस लेवल डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन बेसिक ये है। और दूसरा तीसरी ड्रिल ये है कि बच्चे को अंडर आर्म करवाएं, अंडर आर्म उसे थ्रो डाउन करवाएं, ठीक है। जब ये उसका सर सीधा हो जाएगा, जब ये एल्बो चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तीसरा ड्रिल होगा उसको अंडर आर्म बॉलिंग फेंकनी शुरू कर दें। अब इसमें उसको कहेंगे जाके खाली स्टॉप करें, खाली स्टॉप करें लेकिन स्ट्रेट बॉडी के साथ, ठीक है। अभी मैं पुश अगेन नहीं करा रहा, पुश कराएंगे तो वह फिर प्रॉपर पुश बनता है, ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर पुश बनेगा, ठीक है। और छोटा कदम निकलवाएं और सामने इसको अंडर आर्म खुलवाएं, क्योंकि बेसिकली मेन चीज़ ये है कि आपका हेड एंड शोल्डर साथ चले। अगर वो एक हाथ से पकड़ सकता है बैट, थोड़ा लाइट वेट बैट यूज़ कर लें, अंडर आर्म करें उसे, यार सामने खेलते जाओ, ये सामने खेलते जाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी इस तरफ चलाओ ताकि उसका हेड फॉल ना करे और ये प्रॉपर खेले, ये प्रॉपर, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट ड्रिल्स हैं, छोटी छोटी बेसिक ड्रिल्स हैं जो आप बच्चों को करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो उनका हेड फॉल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह बाकी मजीद बैटिंग टिप्स और कोचिंग टिप्स मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।